एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। टीएस सिंहदेव एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में, और अब चुनाव जब है साल के आखिरी में, उसके पहले डिप्टी सीएम उन्हें बनाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह भी अब देखने वाली बात होगी। डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस सिंहदेव को चुनाव से पहले, बड़ा फैसला है कांग्रेस का। देखिए बकायदा कांग्रेस ने प्रेस नोट भी एक जारी किया, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर फिलहाल जो आप देख रहे हैं। टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम, बड़ा फैसला ये कांग्रेस का। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ बेहतर रहेगा इस फैसले के बाद? टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ यहां पर 90 विधानसभा सीटें, इस समय संख्या बल 71 है कांग्रेस के पास, और अटकलें लगातार यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने काम किया और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन इसी बीच टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाना, यह कितने फायदे का सौदा होगा कांग्रेस के लिए, यह भी अब देखने वाली बात होगी। टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब आने वाले समय में कांग्रेस क्या और मजबूत होगी? क्या जो अपनी छाप और बेहतर छोड़ना चाहते थे टीएस सिंहदेव, वो अब काम करेंगे? क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता था तो सीएम की रेस में ये भी थे टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल के साथ ही साथ। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी सीएम बनाना कितना ये बेहतर फैसला होगा कांग्रेस के लिए, खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में आज के दिन जब बैठक चल रही थी, उसके बाद ये आदेश अब जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में नया डिप्टी सीएम की नियुक्ति की गई, इस पद की जिम्मेदारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई है। आदेश फिलहाल ये जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम की नियुक्ति की गई है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इसकी जिम्मेदारी दी गई, आदेश फिलहाल ये जारी कर दिए गए हैं। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी भी फिलहाल फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी, कितना बड़ा फैसला ये और कितना ये फायदे का सौदा हो सकता है कांग्रेस के लिए? बहुत बड़ा फैसला है सागर, क्योंकि साफ तौर पे है कि ऐसा माना ये जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस को, और जिस तरीके से भूपेश बघेल लगातार एग्रेसिव मोड में काम कर रहे थे, और लेकिन उनको एक ना एक दिक्कत जरूर सामने समझ में आ रही थी कि अगर संगठन और तमाम चीजें जो सरकार में अगर सामंजस्य नहीं बैठाया गया, अगर एक साथ अगर नहीं मिलके लड़ा गया तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप ये साफ तौर पे कह सकते हैं कांग्रेस आला कमान ने भूपेश बघेल की सहमति से, क्योंकि साफ तौर पे ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो बहुत मजबूत सरकार है, इसलिए ये कहा जा सकता है सागर कि उनकी सहमति से डिप्टी सीएम का पद जो है वो टीएस सिंह बाबा, जो बहुत दिनों से कोशिशें थी कि कहीं ना कहीं से उनको एडजस्टमेंट होगा, लगातार ये कोशिशें थी, जब सरकार बनी थी तब भी ये माना ये जा रहा था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो कहीं ना कहीं से आज साबित हुआ, और इससे आप ये कह सकते हैं कि सरकार को चलाने में जो कुछ बाधाएं आनी थी या कुछ आ सकती थी उस पर भी लगाम लगाने की कांग्रेस हालाकमान ने ये कोशिश की है। लेकिन आशिफ जी, सन 2018 में आपने देखा होगा सीएम की रेस में ये भी थे, उस समय इनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके हाथ में था इस समय, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में चुनाव कांग्रेस वहां पर जीत जाए छत्तीसगढ़ में, फिर कहीं कोई खींचतान दिखाई दे? नहीं, इसीलिए उसी खींचतान को रोकने के लिए तमाम कोशिशें हुई हैं। एक बात आप समझिए,
राजस्थान एक सबक के तौर पे है, मध्य प्रदेश सबक के तौर पे है। राजस्थान में तो खैर फिर भी सरकार चल रही है, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से फिर उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन टीएस सिंह बाबा बहुत दिनों से कोशिश में थे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन क्योंकि उप मुख्यमंत्री को ये लग रहा था कि तमाम चीजें बहुत सही है, स्मूथ है, कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है चुनाव। लेकिन अब ये चुनावी साल है और आपको मैंने पहले भी कहा था सागर कि चुनावी साल में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो सीधे तौर पे चुनाव पे इम्पैक्ट डालते हैं। आप इस फैसले को चुनावी साल के इम्पैक्ट के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को ये मालूम है, भूपेश बघेल को भी मालूम है कि आप अगर इकट्ठा होंगे तब तो जीत पाएंगे, अगर आप इधर अलग अलग होंगे तो वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने इकट्ठा मैसेज देने के लिए और कांग्रेस आलाकमान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो चाहती है कि जो सरकारें हैं खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसको वो दोबारा रिवाइव कर सके, दोबारा उस पर फिर से वो सरकार बना सके, उसके लिए तमाम कोशिशें कवायदें जारी हैं। और उसके लिए ये एक तरीके से एक कदम उठा, ये देख सकते हैं आप कि जो कदम उठाया है कांग्रेस आलाकमान ने उससे आप जोड़कर इसको देख सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं से ये अब कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी बात होगी कि इस फैसले पर सभी की सहमति बनाना और फिर आप इकट्ठा होकर अपने आप को मजबूत दिखाना। और मैं आपको बताऊं कि इस फैसले के बाद जो तस्वीरें आई हैं सामने उसमें कहीं ना कहीं से ये दिखता हुआ नजर आ रहा था कि दोनों लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो चाहे वो टीएस सिंह बाबा हो, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के निर्णय के साथ वो लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आशिफ जी, कांग्रेस ने इस उम्मीद के साथ भी सिंहदेव जी को जिम्मेदारी ये दी होगी कि कहीं आने वाले समय में डीके शिवकुमार की तरह रुख अपना लें कि मुझे सीएम ही बनना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए एक बात तय होती है सागर कि जब पार्टी जो खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी हो उसको किसी भी स्टेट में कोई भी निर्णय लेने में इतनी आसानी नहीं होती, और ये बात आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी देखा है, कांग्रेस के साथ भी देखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कर्नाटक में बहुत दिनों तक रस्साकसी चली और आखिरकार टीएस मतलब वहां पे सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद पे मना लिया गया। ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि क्योंकि चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में तमाम चीजों को एकजुट दिखाने की कोशिश होनी चाहिए, इकट्ठा दिखाने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से कामयाबी मिलती है अभी कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है। अब अगला टास्क जो बड़ा टास्क है वो है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में बिल्कुल देखिए आशिफ जी, आपसी सहमति के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से, आदेश फिलहाल ये जारी कर दिया गया है, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम नए होंगे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में। ऐसे में कांग्रेस अब आने वाले समय में और मजबूत होगी। शुक्रिया आशिफ जी पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीएस सिंहदेव की,